दोस्तों इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो चावल और गेहूं का स्टॉक रहता है वो लगभग 5 साल में सबसे लो स्तर पर पहुंच चुका है। इसका दोस्तों मेन रीजन किसे माना जा रहा है, मेन रीजन माना जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि दोस्तों कोविड के बाद आप लोगों को भी पता है लोगों के पास अनाज की बहुत ज्यादा कमी पड़ी थी। तो जिन लोगों के पास एक्चुअली में अनाज की कमी पड़ी थी और जो लोग 1 रुपए पर किलो के हिसाब से अनाज और चावल खरीदते हैं उनको कोविड के बाद लगभग 5 किलो एक्स्ट्रा दिया गया। आप सभी को पता होगा कि एक स्कीम के तहत उनको लगभग 5-5 किलो चावल एंड अनाज दिया जाता है 1 महीने में। बट दोस्तों लगभग 3 साल से इनको 5-5 किलो की जगह 10-10 किलो अनाज और चावल दिया जाने लग रहा है। तो इसी की वजह से दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जो हमारे पास अनाज और चावल का स्टोरेज है वो 5 साल में सबसे लो स्तर पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि 2018 में एक्चुअली में भारत के पास कितना गेहूं और चावल था। तो 2018 में अगर अपन गेहूं देखते हैं तो लगभग 418 किलो का स्टोरेज रहता था और जो चावल है उसका लगभग 275 किलो स्टोरेज रहा करता था। इसके बाद दोस्तों ये स्टोरेज क्षमता लगातार बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर पहुंच जाती है 2021 में। माफ कीजिएगा दोस्तों, शायद मैं यहाँ पे यूज करने लग रहा था किलो की, बट एक्चुअली में जो ये आंकड़े बताने लग रहा हूँ मैं, ये लाख टन में है, मतलब 1 लाख टन। दोस्तों 2021 में ये अपना टोटल स्टॉक कलेक्शन सबसे पीक पर पहुंच चुका था। 2021 में गेहूं का टोटल स्टॉक कलेक्शन था 603 लाख टन और वहीं दोस्तों चावल का टोटल स्टॉक था 491 लाख टन। तो दोस्तों अगर कंबाइंड करें तो टोटल पूल था इन लोगों के पास लगभग 1094 लाख टन, जो कि 2023 में घट करके हो चुका है लगभग 711 लाख टन। वहीं गेहूं का अगर देखें तो 301 लाख टन बचा हुआ है और चावल का देखें तो 409 लाख टन बचा हुआ है। इस दोस्तों टोटल स्टॉक को लगभग 5 साल का सबसे लोवेस्ट कहा जाने लग रहा है और इसी वजह से कहा यह भी जाने लग रहा है कि आगे चल के गेहूं एंड चावल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और बढ़ने का दोस्तों एक और रीजन ये भी है कि ये एल नीनो वाला ईयर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एल नीनो बार बार सुनते रहते हैं, आखिरकार ये है क्या। वैसे तो दोस्तों मैंने इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो जरूर देख लेना चैनल पे जाकर के। बट मैं आप लोगों को बता दूं ये नॉर्मल ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म ईयर होता है और यहाँ पर बरसात थोड़ी कम होती है, लगभग 15-15, 20% तक बरसात कम होती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं नहीं अभी इतनी सारी बरसात तो हो रही है उत्तर भारत में, हमने कितनी ज़्यादा बाढ़ देखी। तो दोस्तों उसका रीजन ही अलग था, वो वेस्टर्न मानसून की वजह से होने लग रहा था और वो सिर्फ लिमिटेड एरियाज में ही बरसात हुई है। आप लोगों को जहाँ पर ज़्यादातर ये प्रोडक्शन होता है उन रीजन्स में आप लोगों को इस वाले ईयर में बरसात की स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों झारखंड में अभी नॉर्मल के कंपैरिजन में 41% कम बारिश है, पश्चिम बंगाल में 37% तक कम बारिश हुई है, बिहार में आप लोगों को 32% तक कम बारिश देखने को मिलेगी और तेलंगाना में 24% तक कम बारिश देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड कॉरपोरेशन इंडिया को क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों से अगर गेहूं या चावल खरीदना चाहती तो आप उनको बिल्कुल भी मत सेल कीजिएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन भी आ सकती है इन फ्यूचर इंडिया में। अभी के लिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्ड सिचुएशन है और अभी के लिए कोई भुखमरी की कंडीशन भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में जो जरूरत होती है, जो आवश्यकता होती है उसके कंपैरिजन में कम है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्चुअली में 410 लाख टन के आसपास जो टोटल स्टोर करके रखना पड़ता है तो इंडिया के पास एक्चुअली में उससे कहीं ज़्यादा है। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को देखना है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आखिरकार बढ़ते क्यों हैं, कौन उस पर टैक्स लगाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में चैनल पर विजिट करके। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।